हेलो डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बुक पार्ट ऑफ चैप्टर टू, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ए पार्ट, रीड दिस फ्रेजल वर्ब्स एंड हैव बीन चेंज्ड टू नाउंस, मैच ईच विद इट्स मीनिंग। हमने यहाँ फ्रेजल वर्ब्स को इनके मीनिंग से मैच करना है। फर्स्ट देखो, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट किससे मैच हो रहा है? फेलियर टू, फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। गेट अवे, अ वेकेशन और अ हॉलीडे। गेट टूगेदर, एन इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ पीपल। लेट डाउन, अ डिसअपॉइंटमेंट। मिक्सअप, अ मिसअंडरस्टैंडिंग और अ मिस्टेक। टेक ऑफ, द एक्शन ऑफ बिकमिंग एयरब्रॉन। ड्रॉप आउट, समवन हु हैज क्विट अ स्कूल, कॉलेज और कोर्स ऑफ स्टडी। ब्रेक आउट, द इवेंट ऑफ प्रिजनर्स एस्केपिंग। अब हमें बेटा इनको मैच करने के बाद नीचे जो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमने इनमें इनको फिल करना है। ओके, फर्स्ट, स्टीव जॉब्स वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट हु वेंट ऑन टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। सेकंड, लास्ट नाइट देयर वाज अ बिग स्टॉर्म एंड देयर वाज अ ब्लैकआउट। देखो बेटा, ब्लैकआउट का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था। ब्लैकआउट का मीनिंग है भी फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, और ड्रॉप आउट का मतलब है भी स्कूल छोड़ना। समवन हु हैज क्विट अ स्कूल, जो स्कूल छोड़ चुका है, जो स्टीव जॉब्स वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, मतलब कॉलेज से जाने के बाद वो काफी सक्सेसफुल बना। सेकंड में ब्लैकआउट मतलब वहां पर लास्ट नाइट देर, वहां एक पिछली रात को काफी बड़ा तूफान आया था, इस वजह से बिजली की जो है मतलब इलेक्ट्रिकल उसकी काफी प्रॉब्लम हो गई। फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर मतलब कि बिजली नहीं आई। द पायलट ऑफ आवर प्लेन वॉज वेरी एफिशियंट, इट वॉज अ स्मूथ टेक ऑफ। टेक ऑफ मैंने उड़ान भरना। आई वॉच्ड अ न्यू फिल्म लास्ट नाइट, इट वॉज अ रियल लेट डाउन। लेट डाउन मैंने डिसअपॉइंटमेंट मतलब कि निराशा होना। आई डिडंट इंजॉय इट और एट ऑल, मतलब मैं इसे इंजॉय नहीं कर पाया। इट वॉज एन एम्ब्रेसिंग मिक्सअप, मिक्सअप यस्टरडे, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए यूज हुआ है। आई सेड आई वुड मीट आयशा एट होम, बट शी वॉज वेटिंग फॉर मी एट द स्कूल गेट। मैंने उसे आयशा से घर पे मिलना था, लेकिन वो मेरी स्कूल गेट पर वेट करती रही है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सिक्स, वी वेंट टू देहरादून लास्ट वीक, इट वॉज अ नाइस गेट अवे। गेट अवे का आपको मीनिंग बताया था कि वेकेशन और हॉलीडे। भी हम लास्ट वीक, जो लास्ट वीक थे, हम देहरादून गए, ये एक अच्छी हमारी हॉलीडेज थी। वी हैव अ फैमिली गेट टुगेदर नेक्स्ट वीकेंड। लास्ट जो नेक्स्ट वीकेंड मतलब कि वी हैव अ फैमिली गेट टुगेदर, भी हमारी एक फैमिली गेट टुगेदर है नेक्स्ट वीक, और जहाँ पे हर कोई होगा, एवरीवन विल बी देयर। द न्यूज ऑफ द मास ब्रेक आउट फ्रॉम द प्रिजन वॉज ऑल ओवर द पेपर्स। मास का मीनिंग मैंने आपको बताया यहाँ पे, द न्यूज ऑफ मास ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मीनिंग मैंने आपको यहाँ बताया था कि एंड इन ब्रेकआउट का मीनिंग मैंने आपको, हाँ जी, द इवेंट ऑफ प्रिजनर एस्केपिंग मतलब कि कैदियों के भाग जाने की जो न्यूज थी वो सारे पेपर्स में थी, छप गई, मतलब वाज ऑल ओवर द पेपर्स। ओके, अब देखो बेटा, ये हमें कुछ स्पेलिंग्स दी हुई हैं। हेयर आर द सम वर्ड्स रिलेटेड टू द एनिमल किंगडम, दे हैव बीन स्पेल्ड इनकोरेक्टली। हमें इनकोरेक्ट स्पेलिंग्स दी हुई हैं, और ये जो सब स्पेलिंग्स हैं ये एनिमल किंगडम से रिलेटेड हैं, जिनको हमने ठीक करके दोबारा से लिखना है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो स्पेलिंग थी इसका वर्ड बना पोचिंग, सेकेंड का फिलाइन, थर्ड का कैमोफ्लोज, फोर्थ एबोरियल, फिफ्थ माइग्रेटरी, सिक्स्थ नॉक्टर्नल, सेवन्थ पॉलमोफियस, एट्थ वेनोमियस। ओके, नाउ फिल दिस बुक वर्क इन योर बुक्स। ओके, थैंक यू।